बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम के दौरे पर सीएम मनोहर लाल, थोड़ी देर में जीएमडीए की बैठक को लेकर अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री। तो बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी बैठक। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको गुरुग्राम से हम दे रहे हैं। इससे पहले सीएम पानीपत के दौरे पर थे। हरियाली तीज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की गई, महिलाओं को संबोधित किया गया और पानीपत के बाद सीएम गुरुग्राम आए। गुरुग्राम में भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया गया। अब बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ ही देर में जीएमडीए की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। गुरुग्राम के विकास कार्यों को लेकर, अलग अलग एजेंडों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, संजय राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम के दौरे पर के सीएम, जीएमडीए की बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी अभी बैठक से जुड़ी? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का आज गुरुग्राम दौरा था और इस गुरुग्राम दौरे के दौरान अब गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री पहुंचे और इसी के साथ आज जीएमडीए की जो मासिक बैठक है उसमें वो शिरकत कर रहे हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं बात करूं यूएलबी मिनिस्टर, हम बात करें कमल गुप्ता और साथ ही साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ गुरुग्राम के चारों विधायक इस बैठक के हिस्से और तमाम जीएमडीए के जो अधिकारी हैं इस बैठक में शामिल और तमाम गुरुग्राम के विकास कार्यों को लेकर उन एजेंडों को रखकर इस पर बैठक की चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ करीबन वित्तीय वर्ष की बात करूं 2023 और 24 की बात करूं तो करीबन 2500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आज यहां अलॉट की जा सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आज जीएमडीए की बैठक है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कई परियोजना को भी हरी झंडी यहां से दे सकते हैं और ऐसे में लगातार अपडेट हम दे दें दर्शकों को कि बैठक शुरू हो चुकी है और गुरुग्राम के विकास के लिहाज से संजय बेहद अहम माना जा सकता है इस बैठक को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बैठक शुरू हुई और इस बैठक में तमाम चारों गुरुग्राम के जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, इसी के साथ साथ यूएलबी मिनिस्टर कमल गुप्ता और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस बैठक का हिस्सा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद के जो विकास कार्य हैं उसको किस तरीके से गति दी जाए और किस तरीके से और तेजी से विकास कार्यों को किया जाए क्योंकि आज गुरुग्राम का जो मुख्यमंत्री के द्वारा काफी मायनों में अहम माना जा रहा है और ऐसे में जिस तरीके से बैठक शुरू हो गई है तो जिस तरीके से वित्तीय वर्ष की मैं बात करूं 2023 और 24 की करीबन 2500 करोड़ रुपए को आज मंजूरी मिल सकती है क्योंकि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जो विकास कार्य होने हैं उसको दुरुस्त किया जाए क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह बरसात भी हुई थी, एक जो समस्या है गुरुग्राम में काफी समय से चली आ रही है, दिल्ली जयपुर हाईवे के सर्विस लेन पे जल भराव या गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं वहां जल भराव की समस्या देखी जा सकती है, जाम की जो प्रॉब्लम है वो लोग उससे परेशान है, उसको फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग जो हम बात करें विकास कार्य या फिर अलग अलग जो चुनौतियां हैं सरकार या फिर अधिकारियों के लिए उसको कितनी जल्दी जनता को दुरुस्त करके दी जा सके उसको लेकर आज इस बैठक के अंदर जो है मंथन किया जा रहा है, कई एजेंडों पर आज इस बैठक के दौरान जो है चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय, अहम जानकारी आपने दी। तो जीएमडीए की बैठक जारी है, मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जीएमडीए के सदस्य बैठक में शामिल हैं, अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, गुरुग्राम के विकास को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। तो गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक जारी है।